रेवंत रेड्डी कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे और हलफ लेने के फौरी बाद वो रजनी नामी माजूर खातून को सरकारी मुलाजमत देने से मुतालिक फाइल पर दस्तखत करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद पहली मुलाजमत एक माजूर खातून को दी जाएगी। कल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी रजनी नामी खातून को नौकरी देंगे। रजनी को हलफ बरदारी तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा गया है। रेवंत रेड्डी ने गुज़श्ता अक्टूबर में रजनी से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी के इख्तदार में आने पर वो उसे सरकारी मुलाजमत देंगे, जबकि रजनी ने रेवंत रेड्डी से शिकायत की थी कि पीजी मुकम्मल करने के बावजूद उसे प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। हैदराबाद के नामपली में रहने वाली रजनी को रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया था कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने रजनी को गारंटी कार्ड भी दिया था। वाजह है कि 7 दिसंबर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हलफ बरदारी तकरीब मुनाकिद होगी, जिसमें रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे।